टू माई चैनल माई बिग ड्रीम्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हर हमेशा आप लोग मेरे ब्लॉग्स में सुनते रहे होंगे कि भाई की शादी है आफ्टर रमजा, तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं लड़की वालों के घर। वो हमसे ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई है, हम नहीं जानते उनको। मैं लड़की को और उनकी फैमिली को उनके मतलब लड़की के बचपन से जानती हूँ, वो मुझसे छोटी है। प्लस मैं अभी भाभी नहीं कहती क्योंकि मैं उसका नाम ही लेके पहले से बुलाती हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट 10-15 साल से एक दूसरे की फैमिली को जानते होंगे, हमारी फैमिली फ्रेंड है वो। तो मैं हो सके तो मिलवाऊँगी और प्लस दिखाऊँगी कि उनका घर कैसा है, वो लोग कैसे हैं, सब कुछ मैं वीडियो में दिखाते रहूँगी आपको। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, स्टे ट्यून गाइस। और मैं ये सिंपल सा लुक मैंने जो अभी क्रिएट किया है वो आपको कैसा लग रहा है देखिए, इसका लुक मैंने जो क्रिएट किया है, तो जल्दी से मैं उसका वीडियो आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं जब मैं उनके घर जाऊँगी, तो वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, इंजॉय कीजिए। आपका ढेर सारा सपोर्ट मेरे चैनल को देते रहिए। टेक केयर गाइस। मैं पता नहीं एंडिंग कर पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पूरा अभी ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो आप जब भी मेकअप करने से पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आपका फेस अच्छा सा क्लीन किया है आपने। अगर आपने आधा घंटे पहले या एक घंटे पहले आपका फेस वॉश किया है तो फिर से एक बार अच्छे से कर लीजिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले आधा घंटे पहले ही तो वॉश किया था, ऐसे सोच के हम लगा लेते हैं। इसके बाद वो क्लियर अच्छा नहीं आता फाउंडेशन, आप अगर उसे ब्लेंड करेंगे तो। उसके बाद एक आइस क्यूब लेके, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो अच्छे से आइस क्यूब लेके आपके अंडर आइस पे जहाँ जहाँ भी मतलब हो सके हल्के हाथों से थोड़ा रब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा आपके फेस का, और जो आपके फेस पे ऑयल होता है वो भी बहुत थोड़ा कम हो जाएगा। देन आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो आइस क्यूब से वो भी थोड़े मतलब क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके सब इतने सब फ़ायदे हैं आइस क्यूब के। तो मेक श्योर कीजिएगा कि बिफोर आप मेकअप करें तो ज़रूर से आइस क्यूब आप अप्लाई कर लीजिए। ज़्यादा रब मत कीजिए क्योंकि अब मतलब ज़्यादा रब करने से आपका फेस रेड भी पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा रब मत कीजिए। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा वाइप करके अपने फेस को मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। हर मेकअप के करने से पहले जैसे प्राइमर लगाते हैं वैसे मैंने अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लिया है गाइज। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए और थोड़ा ड्राई होने दीजिए, एकदम से दूसरा जो भी है लगाइए मत। उसके बाद मैंने कलर करेक्टर लगा के थोड़े मेरे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, अंडर आई जो है वो सब मैंने कलर करेक्टर की हेल्प से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। बीच बीच में मैं मेरी बेटी से बातें भी कर रही थी। बस ब्लेंडिंग इज़ अ की गाइज। अगर आपको अच्छे से आप ब्लेंड नहीं करेंगी तो मतलब कितना भी भारी चाहे फाउंडेशन ले लीजिए, अगर ब्लेंड अच्छे से नहीं करेंगी तो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा आपका फेस, इवन तो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा। तो ब्लेंडिंग इज़ अ की। उसके बाद अच्छे से आप उसे पाउडर से टैप कर देंगी तो बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग आपको मेकअप मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा अगर पर्सनल कुछ भी मतलब सिंगल ऐसा मर्ज वीडियो नहीं, सिंगल जो आपको ऐसे कोई भी वीडियोस चाहिए जो आपको देखना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं दूसरे भी अच्छे अच्छे मेकअप जो मैं पर्सनली जो अप्लाई करती हूँ, जैसे भी क्रिएट करती हूँ अपना मेकअप लुक, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैंने फाउंडेशन एक ब्रश की हेल्प से लगाया, फिर अच्छे से उसे जो भी ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर है, उसे अच्छे से टैप कर करके इसे अच्छे से फिट कर दिया। जैसे कि हर बार मेरे साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब मेरे फेस पे बाल आ जाता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसे होता है जो बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ऐसे हो रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर एक अच्छा सा कंसीलर लगा के उसे अच्छे से टैप कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम परचेज़ नहीं कर सकते, हमारे पास मतलब नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसे ही, इवन दो इंक्लूडिंग मी, चाहकर भी हम फाइनेंशियली ऐसे होता है कि हम परचेज़ नहीं कर सकते, तो ट्राई कीजिएगा कि जो है हम उसी से मेकअप करें। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आई शेडो पैलेट की, उसमें आपको कॉफ़ी कलर भी मिल जाएगा जिसे कॉन्टेरिंग अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें पिंकिश भी मिल जाएगा जो ब्लश के लिए अच्छा है, और आपके पास गोल्डी शिमरी कलर नहीं है तो कोई भी एक पैलेट से ही एक शिमरी कलर ले लीजिए जिसे आप हाइलाइटर के जैसे यूज़ कर सकती है। हमारे ऊपर है गाइस टोटली कि हम कैसे मतलब चीज़ों को देखिए, बहुत ज़्यादा अगर कुकिंग कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन हम ट्राई करते हैं, एक चीज़ अगर कम भी हो जाए, अगर नहीं भी है जैसे कि स्पाइसेस हो गया नहीं भी है, तो हम जो जिसमें है उसी में एडजस्ट करके करते हैं। ऐसे ही सेम ब्यूटी का भी है, अगर हम हमारे पास जो अवेलेबल है चीज़ें हम अगर कोशिश करके करें इसी में हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास नहीं है या आप परचेस नहीं कर सकते, तो आप अपने जो आई शेडो पैलेट होता है बस उसे एक बार गौर से देखिए, उसी में हर एक चीज़ आपके पास होगी, काउंटरिंग हो गया, ब्लश हो गया, हाइलाइटर हो गया, सब कुछ उसी में है। इवन दो जो मतलब लूज पाउडर मिलता है वो भी आपको परचेस नहीं करना पड़ता, अगर आप एक अच्छा खासा मतलब ऑल इन वन अगर आप पैलेट खरीद रहे हैं तो उसी में आपको पाउडर ये सब हर एक चीज़ उसी में अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद आईलाइनर, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सामने मिरर के जाके आईलाइनर और मस्कारा लगा रही थी, पता नहीं सारा मेकअप मैं मोबाइल में ही देख के करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी आईलाइनर लगाना होता है, मस्कारा लगाना होता है, नॉट मस्कारा, लेकिन जब भी आईलाइनर लगाना होता है तो मिरर के एकदम करीब जाके लगाना पड़ता है। ऐसे किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने जो लिप ग्लॉस लगाया था उसे अच्छे से रब कर दिया है मैंने, मैं आई शेडो जैसे कि मैंने एक मेरे ब्यूटी व्लॉग में कहा था कि आई शेडो मैं मतलब आई को ज़्यादा मेकअप नहीं करती क्योंकि मेरे आईज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, अगर मैं आई क्रिएट भी कुछ करूँगी तो पूरा छप जाएगा, देख आप देख ही सकते हैं सिर्फ आईलाइनर ही दिख रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ न्यूड शेड लगा है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत काउंटरिंग की, थोड़ा ब्लश लगा रही हूँ मैं ज़्यादा मेकअप मतलब ऐसे क्रिएट करती हूँ, मतलब न्यूड ही रहता है मेरा, ज़्यादा मैं ओवर नहीं करती, इवन दो जो फंक्शंस भी होते हैं उसके लिए भी। तो मेरा यहाँ पे जो 5 इन 1 का आपके पास अगर जो लिपस्टिक है ये बहुत मतलब पॉकेट फ्रेंडली है गाइस, आप हर जगह इसे कैरी कर सकते हैं, उसमें से मैंने एक पिंकी शेड लगा के मेरे मेकअप को कंप्लीट किया। तो जो मैंने फर्स्ट इंट्रो में मैंने स्टार्ट किया था उस आपको वैसा मेरा मेकअप लुक आपने देखा ही होगा। तो देखिए ड्रेस चेंज करने के बाद YouTube में डाल पहले बैठी है वो है मेरी चाची, उसके बाद अम्मी बैठी है, फिर उसके बाद मेरे कजिन्स हैं, उसके बाद मेरी मामी बैठी हुई है। एक्चुअली लंच का टाइम हो गया था जब हम पहुंचे, एज़ यूजल हम अम्मी और बहन बहुत ज़्यादा लेट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे, फिर उन्होंने खाने का जो अरेंजमेंट किया था तो हम खाने बैठ गए डायरेक्ट। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था बातचीत के लिए गए थे, तो जो भी हमारे करीबी है, जो भी हमारे घर के बड़े हैं, उन लोगों को अम्मी ने इनवाइट किया था, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस हम लोग जितने यहाँ पे हैं उस उतने ही गए थे। देखिए सब खाने बैठे हैं, मेरे हस्बैंड, उनके बाजू जो बैठे थे वो हमारे चाचा है, ये रही मायरा, मैं एक्चुअली वीडियो ले रही हूँ इसलिए मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, अभी आ रही है, ये रही मेरी खाला, ये मेरी बड़ी खाला है और ये मेरी छोटी खाला है,
और इन लोगों को वीडियो लेने में मतलब बिल्कुल भी परेशानी ली, जैसे कि ये मतलब जैसे दूसरे करते हैं शाय फील करना, ये सब नहीं है। ये रही मेरी जो बड़ी खाला है, उसकी बेटी नाजू, नाजिया है इनका, इसका नाम, बहुत क्लोज है मुझसे। तो ये देखिए, मैं जब भी वीडियो ले रही थी तभी अम्मी चिढ़ाने के लिए सबको चिकन दे रही थी, लेकिन वीडियो ले रही थी इसलिए किसी ने चिकन लिया ही नहीं। मतलब होता है ना वीडियो, जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन में गए तो हम लोग जब भी खाना खाने एक निवाला उठाए नहीं कि मतलब वीडियो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में इन लोगों को छेड़ छेड़ के मतलब बहुत इंजॉय किया गाइस हमने। मतलब ऐसा लग रहा था हमें कि अभी मतलब शादी अटेंड करने के लिए गए हैं, ऐसा फीलिंग आ रही थी। हम लोग शादी के लिए नहीं, जब भी हम लोग बस इतने ही लोग जब भी जमा होते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मतलब हर एक चीज़, हर एक मोमेंट हम लोग मतलब हर एक मिनट ज़ाया होने नहीं देते, इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम। जितने भी हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। देखिए, सेल्फी लेने के लिए हम लोग इतना तड़प रहे थे, सबके पास एक इंडिविजुअल फ़ोन था और सब चाह रहे थे कि उन उनके फोन में मतलब वो सेल्फी लिया जाए। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा फनी पार्ट है गाइस, क्योंकि जो लड़की वाले थे ये सब बाहर बाहर थे, इवन जो लड़की है वो सब लंच कर रहे थे बाहर बैठ के, और हमने उनकी रूम में कब्जा किया हुआ था। इतनी ज़्यादा सेल्फीज हम लोग लेते हैं, नॉट इवन एक फ़ोन में नहीं लेते, एक फ़ोन में लेना है और सबको शेयर करना, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, इधर से मेरी छोटी खाला ले रही है, इधर से मैं ले रही हूँ, फिर मेरी बड़ी खाला भी ले रही थी, बहन का उसका फ़ोन है वो ले रही थी, ऐसे कर करके इतना मतलब सेल्फी लेने के लिए इतना एंजॉय करते हैं। किसी के क्या मतलब कैमरे में क्लियरिटी नहीं होती तो हम ढूंढते रहते हैं कि किसके फोन में ज्यादा क्लियरिटी है, उससे उसके फोन से लिया जाए और फिर शेयर किया जाए। देखिए, अम्मी यहाँ वीडियो पकड़ रही थी और मेरी कजिन जो है, जो मेरी मामा की लड़की है, वो इधर से उनके फोन में ले रही थी। ऐसा किस किस के साथ होता है। देखिए, फंक्शन एक अलग बात है, लेकिन सेल्फीज लेना मतलब ओ माय गॉड। हम लोग मतलब आप एक दिन भी हमें दे देना सेल्फी लेने के लिए, लेकिन हमें वो कम ही पड़ेगा, आई थिंक सो। इतनी ज्यादा सेल्फीज हम लोग लेते हैं। तो जो सेल्फी लेने की परंपरा थी वो उसे वेस्ट ना करते हुए ये लोगों ने मतलब सेल्फी लेना खत्म ही नहीं किया। फाइनली मैंने मतलब बोला कि चलिए बाहर भी जाते हैं, देखते हैं जो काम हमने करने जो आए हैं वो कंप्लीट करते हैं। फिर फाइनली हम लोग सब बाहर निकले। बातचीत इतनी ज़्यादा मतलब बहुत लॉन्ग चली गई, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा कि आपको बोल नहीं करते। और तो जितना भी हमने इंजॉय किया बस उतना ही मैंने दिखाया आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या ना पसंद आया तो फिर भी एक लाइक कर देना। जैसे मैं बोलते रहती हूँ, आपका क्या चाहता है, सिर्फ एक लाइक ही करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। अगर जिसको भी सब्सक्राइब करना पता नहीं है, जो रेड बटन होता है उसे क्लिक करिए जी, उसके बाद एक बेल आइकॉन होता है उसे ज़रूर से दबा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, दैट्स इट।